बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं लाई हूँ ईद स्पेशल मून कुकीज़ की रेसिपी। बहुत ही आसान, बहुत खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार सी ये चांद की शेप वाली रेसिपी। जब आप चांद रात को मेहमानों को सर्व करेंगी तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी ये मून कुकीज़। तो बस जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है मेरे पास मैदा, 2 कप मैदा है ये 350 ग्राम के करीब, और यहाँ पे शुगर पाउडर है 125 ग्राम, और चम्मच में देखें तो ये 10 चम्मच है। तो यहाँ मैंने घी लिया हुआ है और ये घी जो है ये भी 125 ग्राम है और 8 चम्मच है ये, अगर चम्मच में इसको मेजरमेंट करें तो। इसके अलावा मेरे पास है बादाम और मूंगफली जिनको मैंने कूट लिया है, तो ये जो ज़्यादा पीसे हुए हैं ये हमने अंदर डालने हैं अपने मैदे के, और इसमें बाकी जो है हम ऊपर गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो 2 अंडे भी हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे घी को ले लेना है 1 बाउल में, और साथ ही हम जो है शुगर पाउडर ऐड कर लेंगे और बस इनको हमने मिक्स कर लेना है पहले। तो आप चाहें तो चम्मच से मिक्स करें या हैंड बीटर के साथ, तो बस मिक्स अच्छी तरह से कर लेना है। बहुत ही आसान रेसिपी है इन कुकीज़ की और टेस्ट ही बहुत ज़्यादा है, और जब आप बनाएंगी तो टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो बस इनको ईद के लिए ज़रूर बना के रख लीजिए, चांद रात को मेहमानों को ये चांद की शक्ल वाली कुकीज़ पेश कीजिए, आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा और खाने वालों को भी बहुत पसंद आएंगी। तो अब यहाँ पर हम शामिल करते हैं अंडे, 2 अंडे मैंने लिए हुए थे तो यहाँ 1-1 करके अंडा हम डालेंगे। पहले 1 अंडा डाल के अच्छी तरह से उसको हम फेंट लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बीटर के साथ। इसके बाद नेक्स्ट अंडा हम इसमें शामिल करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं 2 अंडा डाल रही हूँ। तो अंडे मेरे पास क्योंकि घर में फ्रेश ही होते हैं, घर में ही मेरे मैंने हैंज रखी हुई हैं तो उनके, तो आप जब डालें तो पहले अलग बर्तन में निकाल के, क्योंकि बाज़ औक़ात अंडा ख़राब भी निकल आता है, तो अलग बर्तन में निकाल के फिर उसको बैटर में शामिल करें, कहीं ऐसा ना हो कि फिर ख़राब अंडे की वजह से आपका सारा जो है सामान ही ज़ाया हो जाए। तो बस हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हमने इसके अंदर मैदा डालना है, और वो भी थोड़ा थोड़ा करके, सारा एक साथ हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ ही साथ मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ मैंने घी इस्तेमाल किया है, देसी घी। आप चाहें तो यहाँ मक्खन भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो दोनों के साथ ये परफेक्ट बनेंगी। तो अब हमने बाकी मैदा भी साथ डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालते जाएंगे और साथ ही साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे। अब बाकी का सारा मैदा इसमें डाल लेती हूँ मैं। और अब इसको मैं यहाँ हाथ की हेल्प से मिक्स करती हूँ। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सी एक डो है, हमें इसे गूंदना बिल्कुल भी नहीं है, बस अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और बस ये रेडी है हमारी जो कुकीज़ की डो है, तो इसको हम साइड पे रखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट काम है, यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 बटर पेपर, तो उसको हम बिछा लेंगे किचन काउंटर पर, और इसके ऊपर हम अपनी कुकीज़ को रेडी कर लेंगे। तो यूँ हमने इसको ऊपर फैला लेना है अच्छी तरह से, बिल्कुल सॉफ्ट सी डो है, बहुत ही आराम से फैलती जाएगी। तो हमें ज़्यादा बेलन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा प्रेस करके बिल्कुल नहीं चलाना, ना ही चलेगा। तो इसी तरह से हमने इसको घुमाते जाना है बेलन को ऊपर, और अपना जो है इसकी डो की जो हमारी रोटी है वो तैयार होती जाएगी। तो बस रोलिंग पिन को हमने ज़्यादा प्रेस बिल्कुल नहीं करना, आपने देखा कि आराम से ही जो है सारी रोटी इसकी तैयार हो रही है, फैलती जा रही है। इसी तरह से बस हमने इसको फैला लेना है, और उसके बाद हम कटर की हेल्प से जो है कुकीज़ को काट लेंगे। तो अब ये हमारे जो है कटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है, इतना ही मोटा रखना है। अब यहाँ पे कटर के लिए मैंने लिया हुआ है कॉफ़ी का जो होता है ढक्कन, वो ले लिया है। तो कोई भी चीज़ घर में आप गिलास कप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके साथ हम इस तरह से मून की शेप में इनको काटते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए बहुत ही आसान है, और कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, कुकीज़ कटर यूज़ कर लें, कटर नहीं है तो ग्लास कप कुछ भी इस्तेमाल कर लें, किसी भी चीज़ का ढक्कन। घर में हमारे बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके ढक्कन इस तरह का हमारे हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे मैंने जो है मून कुकीज़ रेडी कर ली हैं,
तो ये जो बचा हुआ है आटा, ये हमारे आगे दोबारा काम आएगा, इससे मैं मज़ीद कुकीज़ बनाऊंगी। तो इस 2 कप मैदे के साथ टोटल जो है तकरीबन काफ़ी ढेर सारी कुकीज़ हमारी रेडी हो जाएंगी। तो अब यहाँ मैंने एक बार फिर अंडा ले लिया है और अंडे में मैंने डाल लिया है 1/2 टेबल स्पून कोको पाउडर का। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको ब्रश की हेल्प से इन कुकीज़ के ऊपर कोटिंग कर देंगे, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। एक तो एग की वजह से ज़ाहिर है कुकीज़ के ऊपर बहुत अच्छा से वो जो है बेक बहुत अच्छी हो जाती हैं, दूसरा इसके अंदर जो कोकोनट हम ऐड करेंगे उसकी वजह से टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और कलर भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो अब हमने इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। तो फॉर्क की हेल्प से यहाँ पे मैं इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बना रही हूँ। तो आप कोई भी डिज़ाइन बना लें जिस तरह से भी आपको पसंद हो। तो इस तरह से कांटा इसके ऊपर हम बस चलाते जाएंगे और ये सिंपल सा काम है और ख़ूबसूरत सी हमारी कुकीज़ के ऊपर डिज़ाइनिंग हो जाएगी। तो अब ये नट्स जो मैंने काट के रखे हुए थे, बादाम और पीनट्स, तो ये थोड़ा थोड़ा चुटकी भर भर के हम कुकीज़ के एक साइड पे डालते जाएंगे। तो आप चाहें तो पूरे के ऊपर फैला लें, लेकिन थोड़ा सा इसको स्टाइलिश बनाना है तो इस तरह से आप एक कॉर्नर में जो है मून कुकीज़ के एक कॉर्नर में इस तरह आप कटे हुए नट्स डाल सकते हैं। तो ये सारी रेडी हो गई हैं, देखने में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अब इनका टाइम है बेकिंग का। तो ओवन गर्म हो चुका है यहाँ पर, तो टाइम मैंने है जो है इस पर 10 मिनट सेट किया है। बाकी हीट आप, हर ओवन का अपना सिस्टम होता है, अपना तरीका कार होता है, तो आप अपने हिसाब से हीट सही कर लीजिए, सेट कर लीजिए। तो मैंने 250 पे इसको सेट किया है और अब ये काफ़ी ज़्यादा बेक हो चुकी हैं। यहाँ तकरीबन 10 मिनट मेरे पूरा टाइम हो चुका है और ये रेडी हो चुकी हैं बिल्कुल परफेक्ट। 10 मिनट में ही ये आराम से रेडी हो गई हैं और बस हमने इनको निकाल लिया है। तो अब ये जो छोटी प्लेट में है ये गरम है, वो मैंने पहले निकाली थी, और ये जो गरम है ये अभी थोड़ी सॉफ्ट है। तो जब आप बिस्किट बनाएं, कुकीज़, कुछ भी बनाएं, तो हमेशा जो है गरम जो होती हैं वो नरम ही होती हैं, जब ठंडी होती हैं हवा लगते लगते ही वो क्रिस्पी हो जाती हैं, फ़ौरन से वो क्रिस्पी नहीं होती। तो परेशान नहीं होना कि ये नरम हो गई हैं, ऐसा नहीं होता। तो हवा लगती जाती है जैसे जैसे, तो वो अच्छे क्रिस्पी बनते जाते हैं। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत हमारी मून कुकीज़ रेडी हो गई हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेंगी इस तरह से चांद रात पे जब आप और चांद रात को बनाएं सर्व करें, या ईद के दिन आप इनको बनाएं, मेहमानों को सर्व करें। बनाने के में भी इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, और इंग्रेडिएंट्स भी इसमें बहुत कम है। और 2 कप मैदे के साथ जो मेरे पास ये कुकीज़ रेडी हुई है, ये 60 के करीब कुकीज़ रेडी हो गई हैं। तो देखिए इतनी सारी हमारी कुकीज़ बनके तैयार हो गई हैं, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। घर में मेहमानों के लिए खुद बना के रखें बजट के साथ और साफ़ सुथरा काम। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी कुकीज़ जो है बहुत ही अच्छी लग रही हैं, और ये आपको यहाँ भी दिखा दूँ तो ये कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनी है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा।